लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर विदर्भ और वाराणसी टीम के बीच खेला गया, जिसमें विदर्भ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवरों एक विकेट खोकर 175 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें विदर्भ के लिए करीम ने शानदार नाबाद 75 रन बनाए, जबकि आकाश ने 26 रनों का योगदान दिया। वहीं वाराणसी के शशांक ने 3 विकेट, अविनाश ने 2, शमसूल, अभिषेक, अंशुमान, भाग्यवंश ने 1-1 विकेट लिए। वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी करते हुए वाराणसी ने 21वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया, जिसमें वाराणसी के अभिषेक यादव ने 43 रन, यदुवेंद्र ने 39 रन बनाया, जिसमें विदर्भ के करीम ने 3 विकेट और ऋषिकेश ने 1 विकेट लिया। आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वाराणसी के शशांक को दिया गया। इस अवसर पर लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव, संयुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता, उपाध्यक्ष मनीष सिंह, अजय दुबे, सुशील श्रीवास्तव, अमित सिंह, रविंद्र चौहान, राजेंद्र प्रसाद, विनोद शुक्ला, अफाक अहमद, राकेश शुक्ला, गुलाम साबिर, के बघेल, अरविंद मिश्रा, पंकज मिश्रा, सर्वेश श्रीवास्तव, देवदत्त तिवारी, राजेश कुमार मिश्र, डॉक्टर इब्राहिम, मनोज प्रेम, तारिक सिद्दीकी, अजीत श्रीवास्तव सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के मनीष सिंह ने कहा, मनीष सिंह, ये वाराणसी लक्ष्य स्पोर्ट्स अकेडमी के तहत ये प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता का लगभग 7 वर्ष से आयोजन किया जा रहा है। आज उस क्रम में वाराणसी और विदर्भ के बीच मैच खेला जा रहा है। अब इस मैच के माध्यम से ये संदेश जाता है कि यहाँ के खिलाड़ियों जो यहाँ पर प्रतिभाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो और अच्छा मैच देखने का मौका मिले, अच्छे खिलाड़ियों को देखने का मौका मिले और जिससे यहाँ पर खेल का एक संचार उत्पन्न हो पाए। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? अब युवाओं को यही है कि युवा भी यहाँ पे आके इस मैच का लुत्फ़ लेना चाहिए, अच्छा गेम देखना चाहिए और सीखना चाहिए ताकि क्रिकेट का यहाँ पे अच्छा संचार हो।